एक्सीडेंट के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचे थे और जो हमारे अभी अस्पताल में 25 आदमी की इलाज चल रही है जो कि अभी ठीक है। 14 लोगों को रेफर किया हुआ है लखनऊ KGMU में इलाज के लिए। अभी तक 7 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। तो KGMU से भी हम लोगों ने संपर्क किया है कि उनको जो भी एंट्री यहाँ से जा रही है उनको तत्काल सुविधा और इलाज की सुविधा तुरंत उपलब्ध करा दे और वरिष्ठ डॉक्टर ही उसको अटेंड करे ताकि और फेटलिटी ना बढ़े। और यहाँ पे जो जिनकी इलाज चल रही है उसमें महिलाएँ पुरुष बच्चे सभी है, सबको एक एक करके देखा है और पर्याप्त संख्या में ऑर्थोपेडिक सर्जन्स यहाँ पे है अभी और अटेंडेंस नर्सेस वगैरह को आसपास से भी हम लोगों ने यहाँ पे एकत्रित किया है। जो भी लखनऊ में शिफ्ट किया है उसको ALS एम्बुलेंस से भेजा गया है और 2 अतिरिक्त एम्बुलेंस को सीतापुर से मंगाया भी गया है। डॉक्टर्स को ये निर्देश दिया है कि बहुत ही संवेदना के साथ और व्यक्तिगत ध्यान देकर के सबके इलाज कर लें। जो हादसा हुआ है आज, इसमें धौरहरा से लखनऊ के लिए बस आ रही थी और इधर से ट्रक जा रहा था तो शारदा नदी बने एरा पुल पर, पुल के ऊपर बीचों बीच आमने सामने की भिड़ंत हुई है जिसमें अब तक पुष्ट 6 मृत्यु हुई हैं, दुखद मृत्यु हुई हैं 6 पुष्ट, 2 अति गंभीर रूप से घायल हैं, बाकी 4 अन्य घायलों को भी रेफर किया गया है। कुल 23 लोग का यहाँ पर इलाज चल रहा है और प्रशासन मौके पर भी हम लोग गए थे, यहाँ पर भी हैं। जो बस की वैलिडिटी थी वो 2023 तक थी। प्रशासन परिवार के साथ खड़ा हुआ है, जो भी सहायता होगी वो की जाएगी। ये घटना कहाँ पे हुई, कैसे हुई? वो पुल पे, उधर ये है पुल। हाँ। अच्छा, तो उस पे हम आ गए थे। अच्छा। तो इधर से ट्रेन जा रहा था, बस दोनों एक ही में भिड़ गए। हम लोग धौरहरा से सिधौली जा रहे थे, मम्मी पापा हम जी। बस पे लमसम होंगे 50-60 लोग होंगे, मतलब पूरी फुल थी। ये DCM से, ये शारदा नगर पुल जी जी जी। जी हाँ जी, हो गई लमसम होंगे 6-7 लोग आराम से होंगे।